शुक्रिया। धीरे रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। देश की हिफाजत के लिए शौर्य मिसाइल की तैनाती को मिली मंजूरी, 700 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। बिहार चुनाव पर बोले दिग्विजय सिंह, ओवैसी और बीजेपी एक सिक्के के हैं दो पहलू। बिहार में महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने कोटे से दी 11 सीटें। बीजेपी चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 21 प्रत्याशियों की लिस्ट, कहलगांव से शुभानंद मुकेश को मिला टिकट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। बीजेपी नेता डॉक्टर उषा विद्यार्थी एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी में हुई शामिल। हाथरस कांड पर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। बाराबंकी से बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का शर्मनाक बयान, कहा लड़की गन्ने के खेत में ही क्यों मिलती है, धान के खेत में क्यों नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कमलनाथ जी की भूमिका चैतवे के समान है, जो सिर्फ चैत के महीने में ही फसल काटने के लिए गांव में नजर आते हैं, उसके बाद नहीं आते। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों पर एक और एफआईआर दर्ज। हाथरस में बढ़ाई गई पीड़ित परिवार की सुरक्षा, जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। हाथरस कांड पर ईडी की शुरुआती रिपोर्ट में दावा, हिंसा के लिए पीएफआई के पास मॉरिशस से आए 50 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कल आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले पीएसओ मोहम्मद अल्ताफ को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। पालघर लिचिंग केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई स्टेटस रिपोर्ट। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष पहुंची गृह मंत्रालय। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शोविक चक्रवर्ती अभी रहेंगे जेल में। पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता कोई भी प्रदर्शन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 72,049 नए मामले आए सामने, 986 लोगों की गई जान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।